मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में आवाजाही का दौर जारी है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा रविवार को बीजेपी में शामिल हो गई। एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। नेहा आम आदमी पार्टी में राष्ट्रीय समन्वय का काम देख चुकी हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नेहा ने कहा कि आपके पास ना तो विजन है और ना ही मिशन, लेकिन बीजेपी के पास विजन और मिशन दोनों है। बीजेपी ने हर वर्ग के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। साथ ही नेहा ने कहा कि पार्टी जो भी काम देगी वो करेंगी। एमपी बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि नेहा बीजेपी के विकास कार्यों से प्रभावित हैं और इसलिए पार्टी में शामिल हुई हैं। आम आदमी पार्टी की केंद्र में चुनावों की दृष्टि से उनकी राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक रही और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रही नेहा बग्गा जी। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण की है। नेहा जी का ऐसा मानना है कि पिछले वर्षों में मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य हुए हैं, जिस तरह से लोगों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने का कार्य हुआ है, उसके कारण उनको लगता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में भी शिवराज जी के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और उसके बाद केंद्र में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और उन्होंने तय किया कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में काम करके न सिर्फ पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगी बल्कि सरकार अच्छे मतों से बने इसमें भी वो अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगी। हमने आज नेहा जी का पार्टी में स्वागत किया, उनको सदस्यता दी है और हमें उम्मीद है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आने वाले समय में पार्टी बेहतर स्थिति में आगे दिखाई दे, इसके लिए वो प्रयास करती रहेगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के जरिए विस्तार करने जा रही आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले उसकी युवा नेत्री के पार्टी छोड़ने से ही बड़ा झटका लगा है। ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली से बाहर एमपी में राजनीतिक भूमि की तलाश में निकली आपको कुछ हासिल होता है या फिर हार का ही मुंह देखना पड़ेगा, ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी तक।